सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी पवन कुमार है जी। जी आप कहाँ से आए हो? मैं जी पीछे कैथल हरियाणा, अब काफ़ी टाइम से पंजाब जिला लुधियाना गांव जोधा में रह रहे हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले बचपन से जी हम हनुमान की पूजा करते थे, बाद में हम राधा स्वामी पंत ब्यास में चले गए जी। सर आप राधा स्वामी पंत से कब जुड़े? हम जी 1986 में जुड़े जी, तो 1989 में हमने नामदान लिया वहाँ पे, 1995 में वहाँ सेवा करी जी। लगभग 28 साल के करीब वहाँ पर हमने भक्ति और सेवा की जी। सर राधा स्वामी पंथ में आपने किस गुरु से नाम दीक्षा ली? हमने जी महाराज चरण सिंह से नामदान लिया था जी वहाँ से। सर आपने बताया कि चरण सिंह जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली हुई थी, तो सर आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि 28 साल तक आप चरण सिंह जी महाराज से जुड़े रहे, एक ऐसे पंथ में जहाँ पे करोड़ों लोग अभी भी जुड़े हुए हैं, आपने वो पंथ छोड़ दिया, क्या कारण रहा? तो सर ऐसा क्या हुआ कि आपने राधा स्वामी पंथ को छोड़ दिया? वहाँ जी 28 साल हमने भक्ति करके, तो वहाँ से हमारी जो हेल्थ थी खराब रहती थी, भूत प्रेत करके बाधा होने लगी। भूत प्रेत बाधा होने से मैं बहुत वहाँ परेशान था। वहाँ नाम दान लेने के बाद भी मुझे वहाँ कोई सुख और सुखी घर में शांति प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे रहने से मुझे कोई किसी प्रकार का आर्थिक लाभ शारीरिक लाभ नहीं मिल रहा था, मन में शांति भी नहीं आ रही थी। मैं अक्सर सोचा करता था कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम लेने से सुख हो जाता है, नानक दुखे संसार सो सुखी जैसे नाम आधार। मैंने कहा, सोचता था वहाँ पे नाम भी लिया हुआ है लेकिन मुझे सुख प्राप्त नहीं हो रहा, भी क्या कारण है इसका मुझे कुछ नहीं पता लगता, कुछ समझ नहीं आ रही थी। सर आपने बताया कि जब वो साधनाएं आप कर रहे थे तो आपको भूत प्रेत की समस्याएं थी, आपके जीवन में काफ़ी कष्ट आ रहे थे, तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज के जी, एक दिन मैं टीवी पे सत्संग देख रहा था, कुछ 5-4 मिनट का सत्संग रह रहा था, संत रामपाल जी बोल रहे थे कि जो गीता का ज्ञान है वो कुरुक्षेत्र में काल भगवान ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला। इसलिए सुन के बाद मुझे काफ़ी झटका लगा, हम तो सोचते भी कृष्ण भगवान जी ही गीता का ज्ञान बोल रहे हैं। तो मैंने उसके बाद वो इतनी गुरु जी कह रहे थे संत रामपाल जी के, वहाँ लड़ाई का मैदान और ज्ञान का क्या काम, तो इतनी बात कह के वो सत्संग वहाँ से समाप्त हो जाता है। मुझे नहीं पता संत कौन है कौन नहीं। उसके बाद मैं अगले दिन टीवी पर देखता हूँ, टीवी पर सत्संग मुझे नहीं मिला, हर एक चैनल मैंने खोज मारे, लगभग 3 महीने तक मुझे वो सत्संग दोबारा प्राप्त नहीं हुआ। फिर मेरे एक रिश्तेदार हरियाणा से जींद से, उसने संत रामपाल जी से नाम लिया हुआ था, उससे मेरी भेंट हुई, उसने मुझे बताया चर्चा के दौरान कि संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग आता है साधना चैनल पर, और साधना चैनल से मैं देखना शुरू किया। जब साधना चैनल पर सत्संग देखना शुरू किया तो संत रामपाल जी राधा स्वामी पंथ के बारे में बता रहे थे, राधा स्वामी पंथ के बता रहे थे, जो 5 नाम हैं वो काल के हैं, जो वो प्रमाण से बता रहे थे, मुझे एकदम झटका लगा सुनने के बाद भी, मैं तो काल की भक्ति कर रहा हूँ तभी तो मुझे सुख प्राप्त नहीं हुए। तो मैंने उसी दिन से विचार किया, मैंने जो उस वहाँ का नाम श्रवण था ब्यास का, मैंने उसी दिन से छोड़ दिया और मैं लगातार सत्संग देखने लगा। उसके बाद फिर मेरे नाम लेने की 1 साल भर इच्छा हुई, नाम लेने के कारण बाद में पता लगा कि वहाँ तो बरवाड़ा में घटना हो गई है, संत रामपाल जी महाराज के साथ बरवाड़ा में घटना हो गई थी, उसके बाद वो आश्रम बंद हो गया था। एक दिन फिर एक टीवी पे देखते होते नीचे पट्टी देखी मैंने, वहाँ से नंबर डायल किया, नंबर डायल से पता लगा लुधियाना में आश्रम बना हुआ है, नामदान सेंटर है, वहाँ से आके मैंने नामदान प्राप्त किया। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग में बताया कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति दी जाती है वो नकली है, तो ये बातें तो और भी करोड़ों लोग सुनते होंगे, उनको भी पता है, तो सर वो लोग आज भी राधा स्वामी पंथ से क्यों जुड़े हुए हैं? राधा स्वामी पंथ से जुड़े हैं जी वो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझने को तैयार नहीं है, जब तक ज्ञान का मिलान नहीं करेंगे उनको कैसे पता चलेगा? सर जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको काफ़ी सारे लाभ हुए, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ठीक होती है। सर आप राधा स्वामी पंथ में 28 साल तक रहे हैं, तो सर क्या वहां पर भी आपको ऐसे लाभ सुनने को मिले वहां के भक्तों से कि उनको कोई लाभ हुआ हो या फिर कोई एड्स या कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हुई हो? वहाँ जी सादा राधा स्वामी पंथ में किसी प्रकार का किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। जितने भी वहाँ भक्त में दुखी हैं वहाँ सिखाया जाता है कि जो दुख सुख है वो हमारे कर्मों के कारण है, ये कर्म हमें भोगने ही पड़ेंगे। लेकिन संत रामपाल जी का जब हमने टीवी पर ज्ञान सुना, उनके सुन से पता लगा चला कि वो पूर्ण परमात्मा जो कबीर साहब जी हैं, वो माड़े से माड़ा जो कर्म पाप कर्म है उसको भी भक्ति से द्वारा काट देते हैं और सुख प्रदान करते हैं। सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी की बात पर विश्वास हुआ,
कि भगवान की भक्ति करने से लाभ मिलता है, तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं आपको क्या लाभ मिला। मुझे जी 28 साल से लगभग मुझे प्रेत बाधा थी, दिमाग डिप्रेशन था, मैंने कभी रात को एक चैन से सो के नहीं देखा था, मैं बहुत परेशान था। उसी दौरान संत रामपाल जी महाराज का जब मैंने ज्ञान सुना, उनकी शरण में गया, उनके नाम लेने से बाद मुझे जो डिप्रेशन की बीमारी थी, भूत प्रेत बाधा की बीमारी थी, वो मुझे नाम लेने से 10 दिन में ही मात्र में मैं बिल्कुल वो ठीक हो गया। जो मेरी दवाई थी बंद हो गई, मुझे गुर्दों में किडनियों में खून आता था। क्या आप अपनी बीमारी की दवाई लेते थे? हाँ, मैं लगातार 3-4 साल से दवाई ले रहा था जी। कहाँ कहाँ पर देखा है आपने? डॉक्टर परमिंदर सिंह था जी, लुधियाना में, उससे मैंने दवाई ली लगभग 3 साल। 3 साल से आप जिस बीमारी का इलाज करवा रहे थे, 28 साल से आप उस बीमारी से पीड़ित थे, और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी 10 दिन में ही ठीक हो गई। ये तो जी संत रामपाल जी के महाराज की जो भक्ति है, जो पूर्ण परमात्मा असल सच्ची साधना देते हैं, उसके नाम मंत्रों में ही इतनी ज़बरदस्त है। सर आप 3 साल से आपकी उस बीमारी का इलाज करवा रहे थे। सर जब भी हम किसी बीमारी को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाखों रुपए का बिल आ जाता है और काफ़ी समय भी बर्बाद होता है। संत रामपाल जी महाराज ने आपकी वो गंभीर बीमारी मात्र 10 दिन में ठीक कर दी, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कितने पैसे लिए? संत रामपाल जी महाराज ने जी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, जो नाम दान है वो जो मुफ्त मिला बिल्कुल। क्या ये दवा बिल्कुल सही है कि मुफ्त में बीमारियां ठीक हो जाती है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, संत रामपाल जी के नामदान मात्र लेने से ही बीमारियां बिल्कुल छुटकारा हो जाता है जीवन में, और किसी प्रकार की वो पैसा नहीं लेते। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? मुझे बहुत प्रकार के आर्थिक लाभ भी बहुत प्राप्त हुए, जो मेरी आर्थिक व्यवस्था थी बहुत डाउन थी, क्यों भूत प्रेत बाधा के कारण मैं कभी किसी जाता था, कभी कहीं जाता था, कभी कहीं जाता था, सारा मेरा पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा था। सर आखिर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं, सब संत महात्मा को जो ज्ञान है, जो अज्ञान फैला रखा था, उनके बारे में शास्त्र के अनुसार उनको दिखा दिखा के समझा रहे हैं। इसी कारण से जो संसार के धर्म गुरु हैं जो उनके खिलाफ हो गए, उसी कारण से उन्होंने ये जो बरवाड़ा कांड करवाया, उसी के कारण को गुरु जी को निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित करके जेल में डाल दिया। क्या सर आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज कभी बाहर आएंगे? हाँ जी ये बिल्कुल सही है, संत रामपाल जी अवश्य बाहर आएंगे, वो पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, तो उन सच्चे गुरु वही हैं, पूरे संसार में किसी के पास वो सच नाम नहीं, भक्ति नहीं है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी अनेक धर्मों के बारे में, ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं, वो भक्त ये ना सोचें कि संत रामपाल जी को निंदा कर रहे हैं, बल्कि वो अपने ज्ञान के बारे संत रामपाल जी ज्ञान को मिलाएं और उसके आधार से वो फैसला करें। सर धन्यवाद जी। साहब जी।